अले बाबू इतना छोटा लड़के निकला, अले बाबू दोबारा को सस्पेंस हो जाए, बेटी हुई आपको मुबारक। अरे समझे कौन है बेटी है लड़का है, बाबू है मेरा सोना है ना सोना बेबी। हेलो फ्रेंड्स, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। आज हॉस्पिटल में तीसरा दिन है ना भैया, आज तीसरा दिन है। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस मैंने सोचा वेलकम कर लूँ आप लोग का। सबको बुला लो, इसीलिए तो मैं बोली कि जब खाली हो जाए ना, खाली नहीं है ना, हम लोग ऑपरेशन लगा है, पता है, इसलिए कतार से पहले करवा दे। किसका बर्थडे है? तो खड़ी है। अरे हो गया, कल था, कल बोलना था। चलिए फिर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, चलिए वहीं चले गए थे दर्शन करने, आइए दर्शन करने चले गए थे ना अरे ठीक है, अरे वो खा ले, हम लोग कैमरा मैन है बस। सब हो गया, नली नहीं लगी थी। एक बार के प्यार लगाओ, सही बात है। सब लोग खा लो ना। पार्ट प्यार हुआ है, तुम हमको नहीं करने दो। ऐसे ऊपर नीचे ना करे। ठीक है, हां खींच लिया, डोंट वरी। देखो सच्चम शूट करेंगे, जाओ सब लोग। आइए मुझे जल्दी जल्दी क्या करने जाना है भाई। चलो फोटो मेरे पे सेंड कर दीजिए, ठीक है? खिंचवा लेंगे, खा खा खिंचवा लेंगे, खिला देंगे। बहुत बहुत थैंक यू। आ जाओ,
इधर आ गया है नाश्ता सुबह का। तो नाश्ता आया है पूड़ी और सूजी का हलवा और चना फ्राई जो कि रिचा भेजी हैं। तो मुझे तो खाना नहीं था, हस्बैंड जी खाए हैं और मेरे लिए दाल आई थी, वही दाल का पानी आया था मेरे लिए। मैं बोली थी कि आप जो है दाल का पानी ले सकते हैं, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था दूसरे दिन का है आई थिंक एक क्लिप। तो पहले नाश्ता कर लिए, उसके बाद फिर मुझको दाल का पानी पिला रहे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती खाना पड़ा। और ब्लड भी चढ़ रहा था, मेरे एक यूनिट ब्लड भी चढ़ा है। ग्लूकोज तो कंटिन्यू चढ़ा है लेकिन ब्लड एक यूनिट, क्योंकि ब्लड मेरा बढ़ गया था तो इस वजह से एक ही यूनिट चढ़ाना पड़ा। नहीं तो हो सकता है अगर ना बढ़ता तो 2-3 यूनिट चढ़ाना पड़ता, लेकिन एक ही यूनिट चढ़ाना पड़ा। फिर इसके बाद मिलते हैं आपको शाम को। लोलियां नहीं बताई हैं, अभी हो गई है मॉर्निंग और ब्रश वगैरह जो है मैंने कर लिया है। और मुझे रात में बहुत ज़्यादा इस सब बॉडी से कर रही थी, अजीब से ठंड लग रही थी, तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। और सुबह भैया चाय ले आए थे तो मुझे वही बिस्किट डिप करके खिला रहे थे। इनके पापा चले गए थे, उस दिन की ये क्लिप है जिस दिन ये चले गए थे उस दिन की। मुझे पता भी नहीं कि भैया रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहीं रख दिया था, रिकॉर्ड हो रहा था। और बस इनको जिम्मेदारी मिली थी मेरी देख रेख की, जो कि बहुत अच्छे से किए। बिल्कुल मतलब लाइब्रेरी भी नहीं जाते थे, बिल्कुल बस मेरे पीछे लगे रहते थे। इनके पापा रहते थे तब भी लकी मेरा जो है मेरे साथ ही रहता था हमेशा, खाना नाश्ता पानी लाना वाना सब कुछ यही करता था। तो और सब लोग फैमिली साथ रहती वैसे भी दुख कम हो जाता है। और रात में बॉडी एकदम अंदर से ऐसे जैसे सेव कर रही थी पूरा। अब पपी टाइम लग रहा है। आपका छुट्टी करने का सोच रहे थे? नहीं मैम, छुट्टी कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। नहीं मैम, क्योंकि फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो हम कैसे हैं। ठीक है, अब उनके टहली आप टहलते हैं मैम। चीज कर दो एक बार, 8:30 के पहले ना बने। कैसे कैसे हो गए ब्लॉग बना रहे हो? और नहीं क्या, तो जा रहे हैं ब्लॉगर बॉय। रेड वाइन कॉफी ना पियो, हमें भी ना काजा 40,000 तभी पिएंगे। भाई हमें भी ना काजा, बिग मैन मेरे का हुआ। चलो पीपी देखो, मम्मी बस देख रही हैं। बेड छोटा पड़ गया है, देख रहे हो 5-5 लोग बैठे हैं। हम नाना से कहे कि हमका मंगाए तो माइक सुनत नहीं है, 5,000 लागे बस है गावे वाला यावर मंगावर मंगाए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि आज प्रीति सिंह को डिस्चार्ज होना है और 5 दिन से इस अस्पताल में एडमिट हैं। जैसा कि आप लोगों को इनके द्वारा बताया जाएगा किस लिए एडमिट हैं और काहे के लिए हैं, सारी व्यवस्था है आप लोग देख सकते हैं। तो आज इनको जो है फाइनली डिस्चार्ज होना है और आज घर जाना है। तो पेशेंट एकदम जो है आधा सोया आधा जागा हुआ है। और यह है सेब, देख लीजिए सामान पैक हो गया है, देख लीजिए आप लोग।
पूरा बैग वैग जो है सब पैकिंग हो चुकी है। फ्रिज दिखा दो छोटी, और ये छोटी सी फ्रिज रखी है जैसे आप लोग देख सकते हैं कि, और ये पानी। तो आगे की अपडेट आपको प्रीति सिंह के द्वारा दिया जाएगा। बहुत सारे बीते हुए समय के बारे में, अच्छे बुरे जो भी रहे आपको बताया जाएगा। और ये ब्लॉग जो पढ़ रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं, ये पहले का है। तो ये 6 तारीख से एडमिट हैं, तब से कोई एडिट नहीं कर पाई ना ब्लॉग डाल पाई हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आप लोगों को अपडेट करेंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमको छोड़ के जा रहे हैं सब लोग, चलते हैं लोग घर। हाँ तो फ्रेंड्स, आज छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, आज 5वां दिन है। और अभी वी को नीचे जाऊंगी तो निकलवाऊंगी, और 5 दिन बाद फिर से बुलाए हैं तो 5 दिन बाद फिर आना है, और जो टाका है वो 5 दिन बाद कटेगा। तो चलिए अब चलते हैं घर, बहुत रह लिए, बोर हो गए हॉस्पिटल में, अब चलते हैं अपने घर। आप आगे आ जाओ ना, आराम से। चलो मम्मी आओ।